हिंदू धर्म दे विच गौआं नूं माता दा दर्जा दिता गया है। अते कुछ लोग अजिहे हन जो इन्हां दी रख रखाव दे लई गौशाला दे विच आउंदे ने, उन्हां दी सेवा करदे ने। किवें उह लोग सेवा करदे ने इह सब जानण दे लई अज साडे नाल डॉक्टर बीके सिंह जी मौजूद ने, उन्हां नाल गलबात करांगे। डॉक्टर साहब पहलां तां बहुत बहुत स्वागत है जी तुहाडा। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दसो किवें गौआं दी जिहड़ी रख रखाव गौशाला दे विच हुंदी है? ऐसा है कि ये जो गौशाला है, ये जो पठानकोट या और भी जगह से जो लोग आते हैं गौशाला में, सबके सहारे से गौशाला चल रही है। गौशाला अपने आप में स्टैंड नहीं है। गौ माता के सेवा के लिए जो पठानकोट की जो जनता है और बाहर से जो आगंतुक हैं, उनकी सेवा आ रही है, उससे जो है इनकी सेवा हो रही है। हमारी गौशाला में पर डे एटलीस्ट 6,000 रुपये के लम चारा आता है। चारा इन द सेंस ये है कि 3,000 रुपये का हरा पट्टा, 2,000 रुपए की तूड़ी और 600 रुपए का चोकर। 200 रुपए मान के चलो पर मंथ एवरेज डाल के कि पर डे 200 रुपए की दवाई, यानी कि हम लोग 1,80,000 रुपए पर मंथ खर्चा कर देते। कितने गांव इस वेले है? हमारे को इस बार जो है ना 102 गांव है, लेकिन इसमें दूध देने वाली जो गांव है 14 या 15 है, क्योंकि हम लोगों ने विदेशी नस्ल की कोई गाय नहीं रखी है। यहाँ सेवा सिर्फ मकसद हमारा ये है, संवर्धन करिए ते देसी गाय का बढ़ोतरी करिए। मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो कि हमने किस तरह से विदेशी गाय से देसी बछड़ा पैदा किया। जी बिल्कुल जी, ठीक है। किन्ने जी गौशाला है, किन्ने लगभग किन्ने एकड़ दे विच फैली हुई? ये 8 कनाल ते गौशाला है जी, 8 कनाल ते गौशाला है। ते इसमें पर डे का खर्चा आपको मैं बता दिया, ते दवाइयां दा भी आपको बता दिया। रोज इनको 8 क्विंटल हरे पट्टे आंदे, 4 क्विंटल सुबह डालते, 4 क्विंटल शाम डालते, 1 क्विंटल सुबह उसमें हरा चारा। तो इन गौवां दी रख रखाव दे लिए जेड़े कोई विशेष लोग तैयार करते हैं? हाँ, इस तरह से सेवा दे रहे हैं। जैसे भी जो कोई हमारे पास नस्ल है, जैसे 1 साल तक के बछड़े हैं, इनके लिए हमने रखने के लिए अलग जगह बनाई हुई है। 1 साल से जो बड़ा हो जाता है हम दूसरे बाड़े में शिफ्ट कर देते हैं। 2 साल से जो ऊपर हो जाते हैं उनको गाँव तैयार करने के लिए अलग हम कर देते हैं। सबके लिए फीड भी अलग अलग है। जो बछियाँ हैं उनको गाँव तैयार करने के लिए अलग से फीड डालते हैं। जो बैल है उसको अलग से हम फीड देते हैं। जो गौ माता प्रेग्नेंट हो गई है, दूध देने वाली हैं या बच्चा देने वाली हैं, उनके लिए अलग से हम खुराक का पैदा करते हैं। इन सब चीज़ों में जो है ना डेली बेसिस पे हम लोग प्रोग्रेस करते हैं। इतने जड़ी गौं है वो केड़ी केड़ी नस्ल दी है? हमारे पास अभी जो नस्ल है वो है थारपारकर है, उसके बाद राठी है, साहिवाल है, गिर नस्ल दी हैगी। ये 4 नस्ल हमारे पास अभी फिलहाल है, जिनके पीछे हम और फर्दर प्रोडक्शन करके जो है अगले 4 साल में ये कामधेनु गौशाला पूरी देसी गाय दी प्रोडक्ट होगी। जो अभी बाहर की गाय हैं, जो विदेशी गाय हैं, 4-5 हैं, सेवा हम कर रहे हैं मगर उनका फर्दर प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है, मैं आपको दिखाऊंगा सांड जो है, हमने गिर नस्ल का था सांड रखा हुआ है बुल, उसके बाद साहिवाल नस्ल का भी है और थार पार्कर भी है, उससे हम अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं। आपको दिखाता हूँ मैं, बुलाइए जी। जी चलिए, इससे हमें हमारा क्या है जी, हमारा जो मेन मोटिव है संवर्धन करके जी, और जो हमारे भारत देश को चाहिए जी, देसी नस्ल, जिसके लिए सब लोग ये है कि नहीं देसी देसी A1 दूध चाहिए जी। तो उसके लिए देखिए हमारे पास बुल है ये जी, ये हमारे पास थार पार्कर है जी। जी थार पार्कर ने जड़े सफेद कलर दे? हाँ थार पार्कर, इसकी नस्ल थार पार्कर है। उठ जा बेटा सोमा, उठ जा, आज उठ जाओ चलो। ये साहिवाल नस्ल का भी है जी। अच्छा, ये साहिवाल? हाँ जी साहिवाल है। तो ये हमारे गिर नस्ल के हैं जी, ठीक है जी। ये अभी मैं इनको मंगाया हूँ गुरदासपुर से आए हैं ये सोमा जी, बहुत अच्छी इनकी ये है। ये आते ही कम से कम जो ना अपनी 6 इन्होंने ये की है जी। कुछ जड़े लोगों की एक धारणा हैगी है कि गौ मूत्र नाल कई रोग दूर होंगे? हाँ बिल्कुल, वो देसी गाँव होंगी है या दूसरी गाँव? देसी गाँव, देसी गाँव, खास करके गिर नस्ल। गिर नस्ल के अंदर बोलते हैं कि इसके अंदर सोने की तत्व भी पाई जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा आयुर्वेद में लोग बोलते हैं कि चांदी का अर्क पियो, तांबे का अर्क पियो, सोने का अर्क पियो, तो जो गिर नस्ल है हमारी, इसकी मूत्र में जो है सोने का अर्क भी है जी। जिसके कई एक गुण हैं जी, जिससे कई एक रोग जो है दूर होते हैं। अक्सर एक चीज़ होर देखी गई है कि लोग जिहड़े है घरां दे विच जिन्हां गौआं रखियां उह छड्ड दिंदे ने
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਨਕੇ ਲਈ ਹਮਾਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੋਕ ਅਗਰ ਉਨਕੀ ਸਾਲ ਭਰ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਤੇ ਹੋ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਉਸ ਗਊ ਮਾਤਾ ਕੋ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਉਂ ਬਣਤੇ ਹੋ? ਪਾਪ ਕਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਾ ਬਣੋ, ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਜਬ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਪੀਆ ਹੈ ਤੋ ਘਰ ਮੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਰੋਡ ਪੇ ਉਨਕੋ ਮਰਨੇ ਕੇ ਲਈ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਊ ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਬੀਕੇ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗਊਆਂ ਦਾ ਧਾਰ ਚੋ ਕੇ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਗਊ ਮਾਤਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।